थायराइड ग्लैंड बहुत ही कमाल का और बहुत ही मावला सी ग्लैंड है। सबसे पहले तो ये बात तय हो जाए कि ये होता कहाँ पर। अगर आपने कभी अपनी नेक देखी हो, लेट सपोज ये किसी शख्स की नेक है, ये उसकी शोल्डर है इधर, ठीक है, तो बिल्कुल नेक की बेस में यहाँ पर आपको बीच में क्या नजर आएगा, यहाँ पे बिल्कुल आपको बॉडी के सेंटर में नजर आएगा आपका विंड पाइप, विच इज ट्रेकिया। ऐसे होता ना, बिल्कुल सेंटर में आपको विंड पाइप यानी आपको ट्रेकिया नजर आता है, और इसके दोनों तरफ आपको बिल्कुल बेस ऑफ द नेक में इस तरह से ग्लैंड आपको पड़ा हुआ नजर आता है, ये इस तरह से। और ये जो ग्लैंड आपको बिल्कुल बेस ऑफ द नेक के अंदर नजर आ रहा है, ये वाला, नाउ दिस इज द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है बेटे, सबसे पहली चीज समझ लें, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ नेक। तो ये हमारी जो नेक है, जो हमारी गर्दन है, उसकी बेस पे ये लोकेट करता है। अगर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके बनाऊं आपके सामने, तो ये ऐसे हैं जैसे बिल्ली के कान बना लो, ये देखो ये बिल्ली के कान बन गए, बिल्ली के ऐसे कान होते हैं ना बिल्ली के, और बिल्ली के कानों को आपस में इस तरह से मिला दो, तो ये जो चीज आपके सामने बन गई, ये आपका थायराइड ग्लैंड है। तो इट इज एच शेप्ड, इसको एच शेप्ड भी कह सकते हो, या बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, आपको पता है रफली बटरफ्लाई भी कुछ इस तरह की होती है, तो एच शेप्ड या बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है ये। अब आप क्लियर देख रहे हो, उसके दो लोब आपको नजर आ रहे हैं, है ना, एक ये लोब है इसका राइट लोब, एक ये लोब है इसका लेफ्ट लोब, और इनके बीच में इसका ब्रिज है, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ राइट लोब प्लस लेफ्ट लोब एंड ब्रिज, और जो ब्रिज है इसको इस्थमस भी कहते हैं, इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि थायराइड खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब तक पिट्यूटरी इसको स्टिमुलेट ना करे, और पिट्यूटरी कब स्टिमुलेट करेगा, जब पिट्यूटरी TSH रिलीज करेगा, तो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस ऑफ TSH फ्रॉम पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब तक TSH नहीं आएगा, तब तक ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं ना, उसको खोल के हम देखते हैं, तो हमें इसमें सेल्स के कुछ ग्रुप नजर आते हैं इस तरह से। ये सेल्स का एक ग्रुप होगा इस तरह से, सेल का ग्रुप होगा इस तरह से, इस तरह से सेल का ग्रुप होगा इस तरह से, ये सेल के ग्रुप होंगे इस तरह से, ये सेल के ग्रुप होंगे इस तरह से। तो इसके अंदर आपको ऐसे करोड़ों की तादाद में सेल्स के ग्रुप नजर आएंगे, और ये जो सेल के ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, इन ग्रुप को हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो थायराइड फॉलिकल है ना, इन थायराइड फॉलिकल्स के दरमियान में भी कुछ सेल्स होंगे। मिसाल तौर पर एक थायराइड फॉलिकल ये है, एक मैं छोटा सा थायराइड फॉलिकल और बना लेता हूं, लेट सपोज ये मैंने एक छोटा सा थायराइड फॉलिकल ये मैंने और बना लिया, ये इसके न्यूक्लिया मैंने बना लिया, ठीक है। अब कुछ सेल्स इनके दरमियान में भी तो होंगे ना, यहां पर भी तो कुछ सेल्स होंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो जो सेल्स थायराइड बना के फॉलिकल बना रहे हैं, वो तो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स है, और जो उनके दरमियान में उनको बोलते हैं इंटर फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, इस तरह से होता है। तो मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स एंड इंटर फॉलिकुलर सेल्स, इंटर फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स और जो इंटर फॉलिकुलर सेल्स हैं, इनमें जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो बनाते हैं थायरोक्सिन यानी T3 T4, और जो इंटर फॉलिकुलर सेल्स हैं वो बनाते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है और भूलनी नहीं है। तो व्हेन स्टिमुलेटेड, व्हेन स्टिमुलेटेड, जब ये स्टिमुलेट हो जाता है, तो व्हेन स्टिमुलेटेड प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ हार्मोन, प्रोड्यूस थ्री हार्मोन्स, ठीक है। उनमें से कौन कौन से हार्मोन है, नंबर वन, एक को हम कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। अब देखो परेशान नहीं होना है, तुम कहोगे यार सर पता नहीं कौन सी जबान कह रहे हैं, ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री, आयोडो इज फॉर आयोडीन,
आयोडो इज फॉर आयोडीन, थायरोनिन बोलते हैं थायराइड हार्मोन को, थायराइड हार्मोन, यानी वो थायराइड हार्मोन जिसमें आपके पास कितने कितने आपके पास आयोडीन के एटम है, 3 आयोडीन के एटम है, तो उसको लिख देते हैं T3। इस तरीके से जो दूसरा हार्मोन होगा उसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन। अभी आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा, टेट्रा मतलब चार आयोडीन वाला, तो उसको कहते हैं T4। ठीक है, याद कर लें T3 और T4 दे आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी आप T3 को T4 में और T4 को T3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो इन दोनों को कन्वर्ट किया, तो बॉडी अपनी जरूरत के मुताबिक T3 को T4 में और T4 को T3 में कन्वर्ट करती रहती है। ठीक है, इन्हीं को आप थायरोक्सिन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन, ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन, इसी को आप थायरोक्सिन भी कहते हो। ठीक है, अब जब थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है तो करता क्या है, बहुत ही कमाल का हार्मोन है ये। तो व्हेन रिलीज्ड थायरोक्सिन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। तो जब स्टिमुलेट हो जाता है तो ये क्या करता है, ये बहुत ही कमाल के फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1, ये आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। अब देखें बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट से मुराद ये होती है कि आपकी बॉडी कम से कम कितने मेटाबॉलिज्म के ऊपर ऑपरेशनल होगी किसी पर्टिकुलर टाइम में। आपको पता है ना, जब सर्दियां होती हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है क्योंकि हमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी होती है, और जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है क्योंकि हमें कम हीट प्रोड्यूस करनी होती है, हीट लॉस करनी होती है। इसलिए तो जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे तो कम हो जाएगा। तो किस रेट पर मेटाबॉलिज्म को चलाना है ये फैसला कौन करेगा, ये फैसला करेगा आपका शाबाश थायरोक्सिन करेगा। इसी तरीके से ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, क्योंकि जब भी आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, एनर्जी जनरेट करनी है, हम एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ के। तो ये इन्हेंस करता है ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म को, इन्हेंस ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म को, तो ये ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म को इन्हेंस करता है, ग्लूकोज के तोड़ने को बढ़ाता है, और के साथ ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इट इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, ये कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। उसके अलावा क्या करता है जनाब, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ में बड़ा रोल है इसका। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, इसलिए अगर किसी बच्चे के अंदर खुदा ना खासा इसकी तादाद कम हो जाए, अगर किसी बच्चे में इसकी तादाद कम हो जाए तो बच्चे मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आपने भूलनी नहीं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो थायरोक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा थर्मोरेगुलेशन में भी रोल है इसका, तो हैव रोल इन थर्मोरेगुलेशन। मैंने कहा ना बहुत हैं, मगर आपको बताने सिर्फ वो हैं जो आपके काम के हैं थोड़े से। अब थर्मोरेगुलेशन चूंकि आपने पढ़ी है तो मैंने बता दिया, वरना शायद मैं इसको स्किप कर जाता, थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, अच्छा ये तो अब आपका एक हार्मोन हो गया थायरोक्सिन, एक और भी तो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये, वो कौन सा है, वो है कैल्सिटोनिन, उसी को भी मैं यहीं कहीं फिट कर देता हूँ। चलें ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ फिट करता हूँ, ये एक लकीर हम यहाँ लगा लेते हैं, तो मैं कैल्सिटोनिन को यहाँ फिट कर देता हूँ, कैल्सिटोनिन। देखें कैल्सिटोनिन कब रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन रिलीज होता है तब जब आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो रहा हो। मिसाल के तौर पर आपने दूध पी लिया, एक गिलास दूध पी लिया, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं आपको पता है वो तो पीते ही दूध हैं, तो जब वो दूध पीते हैं, दूध उनका एक्सक्लूसिव जो है वो फूड है, तो ग्लूकोज में बहुत सारा मिल्क है, तो उनके ब्लड में कैल्शियम के लेवल बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये क्या करता है, ब्लड में से कैल्शियम को निकालता है और बोन में ले जाके डिपॉजिट करता है। तो ये रिलीज होता है कब, रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइपरकैल्सीमिया। अब आप समझ लें हाइपरकैल्सीमिया से मुराद क्या है,
मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिस वर्ड के साथ ई मियाँ लगा होता है आप समझ जाया करें उसका मतलब होता है रिलेटेड विद ब्लड, याद है ना आप लोगों को। तो हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सी मतलब कैल्शियम, ईमिया मतलब ब्लड, यानी ब्लड में कैल्शियम का ज्यादा होना। तो ये हाइपर कैल्शियम रिलीज होता है और ये डिपॉजिट करवाता है, तो ये डिपॉजिट करता है कैल्शियम को इन बोन, तो ये बोन्स के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है। आप सीधे आपने देखा है बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते जाते हैं कैल्शियम निकलती जाती है उनकी हड्डियों में डिपॉजिट होती जाती है और वो ऐसा था पहले बिल्कुल ही हेल्पलेस होते हैं, गर्दन भी संभाल लेते हैं, फिर गर्दन संभालने लगते हैं, फिर सारे से बैठने लगते हैं, फिर बगैर सारे के बैठने लगते हैं, फिर थोड़ा सा क्रॉल करने लगते हैं, फिर फ्रीक्वेंटली क्रॉल करने लगते हैं, फिर खड़े होने लग जाते हैं, सारे से खड़े होते हैं, बगैर सारे खड़े होते हैं, और उसके बाद ऐसा ऐसा सारे से चलते हैं और फिर टक 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 चलना शुरू हो जाते हैं, फिर भागना शुरू हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद बच्चा आगे होता है, अम्मा पीछे होती है और बच्चा आगे आगे भाग रहा होता है, ऐसे होता नहीं होता, बिल्कुल ऐसे होता है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली थायरॉयड के डिफरेंट हार्मोन्स की। अब ये पूरा एक एक्सक्लूसिव थायरॉयड का जो है स्क्रीन बन गया। और आगे चल के जरा हम थोड़े से इसके क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, होता यह है कि थायराइड के हार्मोन्स के लेवल कम या ज्यादा हो सकता है बॉडी में, आप ये बात समझें। थायराइड हार्मोन्स जो हैं इनका लेवल बॉडी में कम या ज्यादा हो सकता है। अगर थायराइड के लेवल कम हो गया तो आप समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, अगर थायराइड के लेवल ज़्यादा हो गया तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, और जब ज़्यादा हो जाएंगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कम होने पर भी गड़बड़ होगी। तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। आपको नाम से पता लग रहा है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर देयर इज डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम हो गई। अब अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों के अंदर हो जाए, चिल्ड्रन के अंदर अगर हो जाए चिल्ड्रन, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं किसका, इसको हम नाम देते हैं क्रिएटिनिज्म का, क्रिएटिनिज्म। और अगर ये बड़ों के अंदर कम हो जाए तो इसको हम नाम देते हैं मिग्ज एडिमा का, मिग्ज एडिमा। आपने ये बात याद रखनी है कि क्रिएटिनिज्म हो या मिग्ज एडिमा हो, दोनों में जो सिम्टम होते हैं दे आर सेम, दोनों में जो सिम्टम होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर चिल्ड्रन में होगा तो, और एडल्ट्स के अंदर अगर होगा, हाँ मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए ताकि आप याद रखें, तो इसको हम कहते हैं मिग्ज एडिमा। अब देखें इनके सिम्टम क्या होंगे, सिम्टम दोनों के कॉमन होंगे। अब वो कॉमन सिम्टम क्या क्या होंगे देखिए, अब जब थायराइड का हार्मोन का लेवल कम हो गया ना, तो आप समझ जाएं मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। जब मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो अब आप इसको गैस करें, अंदाजा लगाएं कि यहां पर क्या क्या हो रहा होगा। तो देखें जरा समझें क्या क्या हो रहा होगा। नंबर वन, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक रेट होगा, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म। अब देखें ध्यान से सुनते जाइए, जैसे ही मेटाबॉलिज्म कम होगा वैसे ही क्या होगा, बॉडी में हीट जनरेशन होना कम हो जाएगी। जब हीट जनरेशन होना कम होती है तो सर्दी बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, तो क्या होता है कोल्ड इनटॉलरेंस हो जाएगी, यानी सर्दी बर्दाश्त ही नहीं होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस, जरा सी सर्दी होगी और ये आदमी कब कबाना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसकी बॉडी हीट जनरेट नहीं कर रही। नंबर थ्री, जब इसकी बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं कर रही होगी तो जो ये खा रहा होगा वो इसकी बॉडी में जमा हो रहा होगा, बॉडी ओबीज और फैटी बॉडी हो जाएगी, ओबीज बॉडी, ये मोटे मुंह हो जाएंगे, फिजिकली इनएक्टिव, बिल्कुल कोई काम करने का इनका दिल ही नहीं जाएगा, तो देयर विल बी फिजिकल इनएक्टिविटी। उसके साथ क्या होगा, जब इनकी बॉडी हीट जनरेट नहीं करनी तो क्या इनको स्वेटिंग होगी, देर विल बी नो स्वेटिंग, तो कोल्ड और ड्राई इनकी स्किन हो जाएगी क्योंकि हीट जनरेट नहीं हो रही बॉडी में। फिर इनको मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशन रहेगी क्योंकि इंटेस्टाइन काम ही नहीं कर रही, तो कॉन्स्टिपेशन का ये लोग शिकार हो जाएंगे, इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तो ये एक मसला इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, जब आप इनको देखेंगे तो इनका कुछ खेलने कूदने का दिल नहीं जाएगा, इनको नींद बहुत आएगी, तो देयर विल बी सोमनोलेंस, बहुत नींद आएगी, सोमनोलेंस का मतलब होता है बहुत सोना, इंक्रीज स्लीप, बहुत ज्यादा सोना, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। तो ये तो बात हो गई, अगर और भी कुछ चीजें होंगी मगर इतनी आप लोगों के लेवल पे इतनी भी बहुत है। इसके बरक्स अगर
थायराइड के हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाए, यानी आप और मैं बात कर रहे हैं किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपर थायराइडिज्म की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइपर थायराइडिज्म की, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें इसमें उलट हो जाएंगी। हाइपर थायराइडिज्म, और हाइपर थायराइडिज्म को याद कर लीजिए ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज मौजूद है और ज्यादातर केसेस में इसका इलाज हो जाता है, मगर एक जमाना था जब इसका इलाज नहीं होता था तो जिसको हाइपर थायराइडिज्म हो जाती थी वो बेचारा मरता ही मरता था, वो कब्र तक पहुंच जाता था, इसलिए इसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, कब्र तक पहुंचाने वाली बीमारी। खैर बहर, अब देखें यहां पर क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। तो अब आप समझ रहे हैं कि जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया तो ये सारे इफेक्ट जो है रिवर्स हो जाएंगे। बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही होगी तो देयर विल बी हीट इंटॉलरेंस, जरा सी गर्मी हो जाएगी उन लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि इनकी बॉडी हीट बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी। नंबर टू, यहां पर क्या होगा, थिन लीन बॉडी, जो बॉडी होगी वो कैसे होगी, बिल्कुल थिन हो जाएगी, पतले हो जाएंगे, लीन हो जाएगी, क्योंकि इनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा हुआ है, जो ये खा रहे हैं वो तो बर्न हो रहा है, जो नहीं खा रहा है वो भी बर्न हो रहा है, यानी बॉडी के अपने फैट प्रोटीन भी बर्न हो रहा है। इसके साथ जब आप इसको देखेंगे तो ये हर वक्त अलर्ट और कंफ्यूज नजर आएंगे आपको, यानी ब्रेन की एक्टिविटी इतनी ज्यादा हुई होगी कि इनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये करेंगे और क्या ना करें। जब भी आप इनको देखेंगे तो दे विल बी स्वेटी स्किन, बिल्कुल इनको पसीने आ रहे होंगे, ठीक हो गया। उसके साथ साथ क्या होगा, यहां पर इनको डायरिया लगा रहेगा, इनको डायरिया लगा रहेगा, ठीक है जी, और इनको जो है वो नींद नहीं आएगी, इनसोम्निया, इनसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप, बहुत ही कम टाइम के लिए ये सोएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको यहां नहीं बताई, चले मैं बता देता हूं, जब मेटाबॉलिज्म कम होता ना तो देयर विल बी डिक्रीज्ड हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है, एंड देयर विल बी डिक्रीज्ड ब्रीथिंग, तो जो सांस होगी वो भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि बॉडी जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं कर रही तो ब्रीथिंग का क्या फायदा है, कम हो जाएगी ब्रीथिंग, यानी ऑक्सीजन इतनी नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जनरेट नहीं हो रही, ठीक है। यहां पर क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड हार्ट बीट, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड ब्रीथिंग, सांस भी जो है वो उनकी बहुत तेज चल रही होगी। तो इस तरीके से आप हाइपर थायराइडिज्म में और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हो, फर्क कर सकते हो चीजों को, ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। तो ये आपको मैंने थायराइड के बारे में सारी बातें बता दी। एक और बात आखिरी, हाँ वो बहुत जरूरी है करना आपसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी आपको किन इलाकों में ज्यादा मिलेगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी आपको उन इलाकों में ज्यादा मिलती है जो समंदर से दूर होते हैं, माउंटेनियस एरियाज में। तो वहां पर क्या होता है, एक चीज पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर, ग्वाइटर, और ये शायद आपने देखा भी हो। तो व्हाट इज ग्वाइटर, इट इज इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, इट इज इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड, यानी इसमें जो थायराइड होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। और आमतौर पे क्यों होता है, यूजुअली यूजुअली लैक ऑफ आयोडीन की वजह से, लैक ऑफ आयोडीन की वजह से, क्योंकि आपके पास अच्छी तरीके से मालूम है कि थायराइड को काम करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, तो अगर आयोडीन कम हो जाएगा तो ये काम इसका खराब हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ट्रीटेबल है, इसका बहुत आसान तरीका तो ये है कि हम घर में आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करें या सी फूड इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जो सी फूड होता है, सी जो फिशेज होती हैं उनकी बॉडी में, उनके मीट में आयोडीन जितनी मिकदार में होता है जिससे हमारा काम चलता रहता है। तो हमें क्या करना है, हफ्ते में एक मरतबा दो मरतबा मछली जो है वो सी फूड जो है वो हमें खाने, ठीक है बेटा। तो ये थायराइड का पूरा स्क्रीन बन गया। पैरा थायराइड ग्लैंड, अच्छा पैरा थायराइड ग्लैंड को पैरा थायराइड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के साथ होता है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल साथ होता है, उसके बराबर में होता है इसलिए। तो अगर मैं थायराइड ग्लैंड बना लूं, देखिए ये मैंने थायराइड ग्लैंड बनाया, मैंने आपको समझाया थायराइड ग्लैंड को बनाने का तरीका क्या है कि आप बिल्ली के कान बना के उनको आपस में मिला दें। अब ये मैं थायराइड का पोस्टीरियर सरफेस देख रहा हूं, यानी मैं थायराइड को पीछे से देख रहा हूं, तो जब मैं थायराइड को पीछे से देखूंगा तो मुझे दो छोटे छोटे ग्लैंड ऊपर नजर आएंगे इस तरह से अटैच हुए, और दो नीचे नजर आएंगे इस तरह से। तो ये जो दो छोटे छोटे ग्लैंड थायराइड ग्लैंड से चिपके हुए हैं, अटैच हुए हैं, इनको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहां होते हैं, दे आर लोकेटेड
एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड. तो ये थायरॉइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, लोकेट करते हैं. ठीक है, जब हम देखते हैं इनको तो हमें पता लगता है, कि ये जो होते हैं टू पेयर होते हैं, यानी दे आर फोर इन नंबर. तो दो को बोलते हैं सुपीरियर पैरासोराइड और दो को बोलते हैं इंफीरियर पैरासोराइड. तो दो पेयर सुपीरियर पैरा थायरॉइड ग्लैंड एंड इंफीरियर पैरा थायरॉइड ग्लैंड. अब आपको पता है सुपीरियर का मतलब ऊपर वाला, इंफीरियर का मतलब नीचे वाला. तो अब आप आसानी से बात को समझ रहे होंगे कि ये वाले जो हैं ये सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड है और ये वाले जो हैं इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड. तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर यहां पर समझ में आ रही होगी. अच्छा, अब जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं बड़ा जबरदस्त, जिनको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन. तो ये क्या करते हैं, दे रिलीज पैराथायरॉइड हार्मोन. याद कर लो, पैराथायरॉइड हार्मोन को पैराथॉर्मोन भी कहते हैं, पैराथॉर्मोन, या इसी को पीटीएच भी कहते हैं, पीटीएच. अब पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन या पीटीएच कब रिलीज होता है, ये एंटागोनिस्ट है कैल्सिटोनिन का. मैं आगे ब्रैकेट में लिख दूं, इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ कैल्सिटोनिन. तो अब आप ये बात समझ रहे होंगे कि कैल्सिटोनिन क्या करता था, अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होती थी तो रिलीज होता था और उसको कम करता था, बोन में डिपॉजिट करता था. ये उलट काम करता है. ये कब रिलीज होता है, इट रिलीज ड्यूरिंग हाइपोकैल्सीमिया. अब देखो फिर वही बात आ गई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी कि गौर करो नाम पे, हाइपो मीन्स बिलो, कैल्सी इज फॉर कैल्शियम, ईमिया मतलब रिलेटेड विद ब्लड, यानी अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया. ठीक है, अब ये रिलीज होगा हाइपोकैल्सीमिया में, और जब ये हाइपोकैल्सीमिया में रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, ये तीन जगहों से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा. तो पीटीएच क्या करता है, पीटीएच इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम तीन जगहों से. एक तो आपको मैंने पढ़ाई दी, याद है आपको, नेफ्रॉन से करेगा. आपको याद है मैंने बताया था जो डिस्टल कॉम्युलेटेड ट्यूबुल होता है वहां से ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. नंबर वन पहली बात ये हो गई. नंबर टू इंटेस्टाइन से, जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है तो इंटेस्टाइन से भी निकालता है. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी और मेरी बॉडी में जो कैल्शियम का रिजर्वायर है, जो कैल्शियम का खजाना है, वो क्या है, वो हमारी बोन है, बोन से निकालता है. तो ये इन तीन जगहों से, यानी नेफ्रॉन से, इंटेस्टाइन से, बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डालता है और ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल को. तो याद करो कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है. तो कैल्सिटोनिन और आपका जो पीटीएच है ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है. ठीक है बेटा.